हम लड़के लोग कैसे हनुमान जी को पूजा करेंगे? उनको बहुत तो अच्छा। छू नहीं सकते। क्या नाम है आपका बहन? सुजाता है, उड़ीसा से हूँ। ओ, हाँ कथा सुनने आए? हाँ जी, मैं दमो भी गई थी वहाँ। वाह, दमो मध्य प्रदेश। हाँ, जय हो बहन। आपसे भी बात हुई थी लेकिन मैं बात हो गई थी, थोड़ा बहुत हुई थी, नहीं हो पाया। कैसी बात भाई, थोड़ा बहुत है। नहीं, आप यहाँ पर बोलते हैं ना, खुद का प्रश्न हाँ, मत निजी पूछिए। नहीं हाँ, पूछना है। अच्छा, तो मतलब ऐसी बात किए थे आप। हाँ, तो मेरे को ये प्रश्न आप बता दीजिए, कैसे हनुमान जी की पूजा चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। चोला चढ़ाने का वर्णन और नियम यज्ञोपवीत धारी को है। चोला मतलब सिंदूर। और श्री हनुमान जी को स्पर्श तो वैसे किसी को नहीं करना चाहिए, दूर से ही, चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री। कई लोग क्या करते हैं, हनुमान जी का सिंदूर लगा लेते हैं मस्तक पर। उनका तेज हमारे जैसा अपवित्र शरीर नहीं सह सकता है, तो किसी को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके सन्मुख बगल में खड़े होकर के राम नाम जप करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके, अमुक पुजारी जो हनुमान जी के मंदिर के हों उनको फल, श्रीफल अथवा फूल माला दे दें। और प्रतिदिन अपने उपासक हनुमान जी रख सकते हो, और पवित्र दिनों में भाई रूप में, पिता रूप में स्त्रियां भी श्री हनुमान जी की सेवा कर सकती हैं, परंतु सिंदूर वाली मूर्ति की नहीं। जी गुरु जी, मेरे को जब से मैं आपका देख रही हूँ, आपको सुन रही हूँ, तो आपके पीछे पीछे तो भागती रहती हूँ, लेकिन नागपुर मुझसे दूर हुआ, मैं जा नहीं पाई हूँ। हाँ, फिर मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है, जैसे कि फैमिली में, जैसे कि बहुत, मैं तो बता नहीं पाऊंगी, वो हनुमान जी को भी पता होगा वो सब मेरी परेशानी। बालाजी करें आपकी अर्जी लग जाए। गुरु जी, मेरे को ना वो, मैं एसआई का तैयारी कर रही हूँ। आप करो हमारी शुभकामना, सन्यासी बाबा के नाम की आहुति प्रारंभ कर दो, जय जय हो जाएगी। आहुति का कैसा? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न। आहुति का मतलब हवन। अग्नि में तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर से मिश्रित हवन सामग्री तैयार करके अग्नि लगाकर रख कर ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा, इस मंत्र की 5 बार आहुति दीजिए, बागेश्वर बालाजी की सेना आपके घर पर पहुंच जाएगी। काम भी सफल होगा, पर्चा बने या ना बने, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र के जाप से और बागेश्वर धाम की पेशी से ही आपका भला हो जाएगा। लेकिन गुरु जी, फरवरी में मेरी परीक्षा है, लेकिन आपके आशीर्वाद लेने आई हूँ। इतना खूब आशीर्वाद, बढ़िया पास हो बहन। हाँ जी।